नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। शहर में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को ही वैक्सीन शुरू हो गई है। सिटी में 15 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन के लिए युवाओं में जबरदस्त जोश दिखा। सुबह 9 बजे से ही सेंटर्स पर लोग पहुंचने लगे। 10 बजे तक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। हालांकि वैक्सीनेशन शुरू करने का तय समय 11 बजे रखा गया था। उर्सुला अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना ने वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। वैक्सीन की पहली डोज रुचि को लगी। सतीश महाना ने उसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया। इस दौरान कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, डीएम आलोक तिवारी, सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन के दौरान युवाओं से कहा गया कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी पूरी सावधानी बरतनी है। युवाओं ने कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो करने का वादा किया। पहले दिन सभी 15 सेंटर्स पर कुल 3000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। टाइमिंग की सही जानकारी न होने के कारण ज्यादातर सेंटर्स पर सुबह 10 बजे से खास भीड़ हो गई थी। कैंट स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में कोविन ऐप ठीक से नहीं चलने की वजह से कुछ देर से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले 70% लोग को वैक्सीन लगाने का दावा किया गया। इन 15 सेंटर्स के अलावा शहर में 58 जगह पर 45+ एज ग्रुप के लोगों को भी वैक्सीन लगाई गई। इन सेंटरों पर कोवैक्सीन के साथ कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दी गई। दोपहर 11 बजे नेहरू नगर स्थित अर्बन हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां ही चल रही थी। इस दौरान वहां वैक्सीन लगवाने वाली की काफी भीड़ लगी थी। ग्वालटोली स्थित अर्बन पीएससी में 18 साल से ज्यादा उम्र के 200 लोग को वैक्सीन लगाई गई। यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग को ही वैक्सीन की फर्स्ट डोज दे दी गई। बड़ी बात तो यह सामने आई कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आशा ज्योति केंद्र के पास स्थित एसपीएम विभाग के हेल्थ सेंटर में व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहां पर वैक्सीन के दौरान काफी अव्यवस्था दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।